हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज अंकित जायसवाल। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड यूनिट 4 इन इंग्लिश लिटरेचर बुक। ओके, सो इन द सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट विच इज यूनिट 5। सो इन यूनिट 5 वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यूनिट 4 में हमने ब्यूटी चैप्टर कंप्लीट किया था। उसकी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर जो भी नहीं हुआ है वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। बट चलिए, मैं आप लोग को पहले ये चैप्टर पढ़ा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। देखिए बच्चों, इसको जानने से पहले इसकी मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल मतलब होता है एक अलग प्रकार का विद्यालय। डिफरेंट मतलब होता है भिन्न, यानी कि अलग। ठीक है, अलग तरह का मतलब जो सबकी तरह ना हो, अलग हो, उसमें कुछ क्वालिटी अलग हो उसकी, वो डिफरेंट होता है। और स्कूल, आप सब जानते हैं स्कूल को क्या बताना मीनिंग। ठीक है, तो एक अलग प्रकार का स्कूल। डू यू नो दीज वर्ड्स, कह रहा है आपको क्या इस मीनिंग का, इसका मीनिंग पता है? बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम। नहीं पता है तो ये सब की मीनिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आप एक इंटरफेस देख पा रहे होंगे इस इमेज में। पीछे एक स्कूल है, यहाँ पे एक गर्ल है जिसने बैंडेज लगा रखा हुआ है अपनी आँखों में। बैंडेज का मतलब पट्टी होता है। और एक बॉय है, स्टूडेंट है, उसको खींच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपके सामने एक पिक्चोरियल आप देख सकते हैं कि आपको इमेज मिल रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको चलिए पढ़ाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। राइटर बोलता है कि मैंने मिस बीम स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। ग्रेट डील मतलब होता है बहुत कुछ, बड़ी मात्रा में कोई चीज़ आप सब सुनते हैं किसी के बारे में तो ग्रेट डील बोलते हैं उसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें आप जब सुनते हैं किसी के बारे में तो आप ऐसा यूज करते हैं कि भाई आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील। ठीक है, तो मिस बीम स्कूल कोई होगा, उसके बारे में राइटर बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा था। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। कह रहा है जब तक मैंने अभी पिछले हफ्ते, राइटर बोलता है, मैं विजिट किया, विजिट मतलब वहाँ पर गया घूमने के लिए, मैंने मिस बीम स्कूल को लास्ट वीक विजिट किया, उससे पहले मैंने उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। ठीक है, जब तक मैंने विजिट नहीं किया था उसके पहले उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। अब जब विजिट कर लिया तो सुन ना गया, उसको देख ही लूँगा आँखों से। तो ऐसा बोलता है राइटर कि भैया मैंने मिस बीम स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। आगे टू देखते हैं, व्हेन आई अराइव्ड, अराइव मतलब होता है पहुँचना, जब मैं वहाँ पहुँचा। बोलता है राइटर कि जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर वॉज नो वन इन साइट। साइट मतलब नज़र, पहली नज़र में यानी कि दृश्य में वहाँ कोई नज़र नहीं आया। उस स्कूल में राइटर को कोई नज़र नहीं आया जब वो वहाँ पर पहुँचा। बट अ गर्ल, लेकिन एक लड़की नज़र आई जो कि 12 साल की रही होगी। हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, उसकी आंखों पर पट्टी लगी हुई थी। एंड सी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई अ लिटिल बॉय। और उस लड़की को कोई, एक लड़का जो है बहुत ही सावधानी से, ठीक है, फ्लावर बेड्स यानी फूलों के बीच में से, फूलों के बड़े बड़े गुच्छों के बीच में से गुजरता हुआ लेके जा रहा था। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक लड़का जो है लड़की को लेके जा रहा है बड़ी सावधानी से, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, वो लड़का उससे 4 साल का छोटा था, उस लड़की से 4 साल छोटा था। सी स्टॉप्ड, वह रुक गई। एंड इट लुक लाइक सी आस्क्ड हिम हू हैड कम, और ऐसा लग रहा था मानो वह लड़की उस लड़के से पूछ रही थी कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her, और ऐसा लग रहा था कि वो लड़का जो है, जो छोटा लड़का था, वो बड़ी लड़की को ये बता रहा था कि भैया मैं आया हूँ, यानी वो मेरे बारे में उसको बता रहा था। ठीक है, देन दे पास्ड ऑन, उसके बाद वो दोनों गुजर गए वहाँ से। पास ऑन मतलब होता है गुजरना। मिस बीम वॉज ऑल सेट, ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, कह रहा मिस बीम बस बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उम्मीद की थी। मिडिल एज्ड, यानी कि बिल्कुल मिडिल एज की, यानी कि ज़्यादा एजेड नहीं थी। ठीक है, 40-50 के आसपास की रही होंगी। फुल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब होता है बच्चों पूरा उनके पास अधिकार था। ठीक है, अधिकार पूर्ण थी। ठीक है, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी बहुत काइंडली थी, बहुत नम्र स्वभाव की थी और अंडरस्टैंडिंग यानी बहुत समझदार दिखती थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके जो बाल थे, मिस बीम के जो बाल थे वो बिल्कुल भूरे कलर के होने लगे थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर,
देखिए वर्ड आया हुआ है प्लम्प। प्लम्प मतलब होता है मोटा गोल मटोल, ठीक है। तो उनका जो फिगर था, जो शरीर था, वो बहुत गोल मटोल था। दैट इज़ लाइकली टू बी कन्फ्रंटिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, ठीक है। ऐसा मालूम चल रहा था जैसे कोई बीमार सा बच्चा हो। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड, उनके पढ़ाने के बारे में, टीचिंग मेथड उनके पढ़ाने की जो सिस्टम तरीका था उनके बारे में उनसे सवाल पूछे। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मैंने सुने थे कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों से क्वेश्चन पूछती हैं। आगे देखिए फोर्थ में, नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। तब मिस बीम ने उसका जवाब दिया कि बच्चों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ इसके लिए ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बस उनको क्या है, उनको ये बताइए कि चीज़ों को कैसे किया जाता है, चीज़ों को करने के बारे में उनको बताया जाए, बस उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती। सिंपल स्पेलिंग, देखिए देखिए सिंपल स्पेलिंग सिखाई जाए, एडिंग यानी जोड़ सिखाया जाए, सब्सट्रैक्ट यानी घटाना सिखाया जाए, मल्टीप्लाइंग गुणा करना सिखाया जाए, एंड राइटिंग और लिखना सिखाया जाए। द रेस्ट इज़ डन बाई द रीडिंग, बाकी का काम कैसे होगा, रीडिंग करके होगा, ठीक है। उनको रीडिंग करवाई जाए, एंड बाई इंटरेस्टिंग टास्क, और उनसे बहुत ही मज़ेदार बातें करके उनको बताई जाए। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, दे हैव टू सिट स्टिल, जिसके दौरान वो शांत तरीके से बैठ जाएंगे, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को चुपचाप रखेंगे। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, उसके अलावा दूसरा कोई लेसन यानी कि सबक नहीं होता। आगे देखिए, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, ठीक है। देखिए कह रहा है, इस स्कूल का जो मेन मकसद है, एम मतलब क्या होता है मकसद, जो स्कूल का मकसद है वो बच्चों को थॉट सिखाना नहीं है, कोई विचार नहीं सिखाई जाना है, बल्कि उनको विचारपूर्ण बनाना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको खाली बस विचार विचार अच्छे अच्छे विचार यानी थॉट्स दिए जाएँ, बल्कि उनके थॉट्स पे अमल किया जाए उनको, ठीक है। कुछ उनको सिखाया जाए तो उस पर वो अमल करें, ठीक है, उससे कुछ सीखें, ग्रैब करें उसको, ये हमारा मकसद होता है। केवल पढ़ाना ही पढ़ाना मकसद नहीं है, बल्कि उसको अंदर से वो इंटरनल उसको कहीं ना कहीं ग्रहण करें यानी उसको सीखें, ये हमारा मकसद है, ऐसा मिस बीम बताती हैं। देखिए, काइंडनेस टू अदर, दूसरों के प्रति काइंडनेस यानी दया भाव रखें बच्चे, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और बच्चे जो हों ईमानदार यानी, और साथ में जागरूक रहें, और साथ में जो है रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार नागरिक भी हों। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, तब मिस बीम ने राइटर से बोला, भैया एक मिनट के लिए बाहर ज़रा देखिए खिड़की से, विल यू, ज़रा क्या आप बाहर देखेंगे खिड़की से एक मिनट के लिए। तो देखिए, तब राइटर ने जवाब दिया, आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो में गया, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, जहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा गार्डन देखा, एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैंक, और मैंने किनारे पे देखा, पीछे देखा कि बहुत बड़ा सा बैकग्राउंड भी है। उस स्कूल में एक बहुत बड़ा सा गार्डन दिखा और पीछे बहुत बड़ा सा मुझे खेल का मैदान दिखा। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, तब मिस बीम ने पूछा तुमको क्या दिखाई पड़ता है, ठीक है। फिर मैंने जवाब दिया, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मुझे कुछ बहुत सुंदर सुंदर ग्राउंड दिखाई पड़ते हैं, मैंने बोला, एंड अ लॉट ऑफ ज्वाली चिल्ड्रन, ज्वाली मतलब होता है शरारती, नॉटी, लॉट ऑफ ज्वाली चिल्ड्रन, बहुत सारे ज्वाली चिल्ड्रन दिखाई पड़ते हैं। इट पेन्स मी, मुझे दुख होता है, दर्द होता है, दो हालांकि टू सी डैट दे आर नॉट सो हेल्दी, ये देख कर कि वे बहुत सारे हेल्दी बच्चे नहीं हैं, एंड एक्टिव लुकिंग, बहुत ज़्यादा एक्टिव लुकिंग भी नहीं है, एक्टिव लुकिंग मतलब तेज तर्रार भी नहीं है। व्हेन आई केम इन, जब मैं यहाँ आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल, तो मैंने एक बेचारी लड़की को देखा, गर्ल बीइंग लेड अबाउट, जिसको एक लड़का लेकर जा रहा था, सी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, ट्रबल मतलब परेशानी, ओके उस लड़की को उसकी आंखों में कुछ समस्या थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, अब ऐसे ही मैं दो और बच्चों को देख पा रहा हूँ जिनको सेम डिफ़िकल्टी यानी कि समस्या है। एंड देयर इज़ अ गर्ल, और वहाँ पे एक लड़की है विथ अ क्रच, एक वर्ड है बच्चों क्रच, क्रच का मीनिंग होता है सहारा, ठीक है, बैसाखी, जो लंगड़े लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है जो उसके हाथों में क्रच है, वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, जो लोगों को खेलते हुए देख रही है। सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, ऐसा नज़र आता है कि वो एक क्रिपल, क्रिपल यानी कि अपाहिज, अपाहिज जिसके हाथ पैर टूटे हुए होते हैं या काम नहीं करते, उनको क्रिपल बोलते हैं, ठीक है। तो राइटर ने जवाब दिया कि वो क्रच यानी कि बैसाखी हाथों में लिए हुए है, और ऐसा मालूम पड़ता है कि वो अपाहिज है, ठीक है, बेचारी उम्मीद भी खो चुकी है और अपाहिज है,
ठीक है, क्योंकि दूसरे बच्चे को खेलते हुए देख पा रही है लेकिन वो खुद नहीं खेल सकती, उसको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है उसके पैरों में। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसने लगी। ओह नो, उन्होंने कहा नहीं नहीं सी इज सेड, उन्होंने कहा नहीं सी इज़ नॉट रियली लेम, वो लंगड़ी नहीं है, लेम मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है। उसने कहा मिस बीम ने कि वो लेम नहीं है, लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, उसका बस आज लंगड़ा बनने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, दूसरे लोग भी बच्चे भी अंधे नहीं हैं, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, दूसरे बच्चे भी जो आपने देखे वो दरअसल अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, बस ये उनका आज का अंधा बनने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, अब मैं बहुत सरप्राइज हो गया, उनको सुनकर बहुत ही भौचक्का और हैरान रह गया। फॉर सी लाफ्ड अगेन, जिसको देखकर वो दोबारा से हंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, उन्होंने बताया कि हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून, ताकि बच्चे हमारे ये समझ सकें। अप्रिसिएट मतलब होता है समझना, यानी कि प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है। अप्रिसिएट मतलब तारीफ करना होता है। अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून, अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है, मिस फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य होता है, दुर्भाग्य बच्चों क्या होता है, दुर्भाग्य। उन्होंने कहा ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे बच्चे दुर्भाग्य मिस फॉर्च्यून क्या होता है उसको समझ सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसकी बुराई ना करें। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू, और इसीलिए हम उनको दुर्भाग्य जो होता है मिस फॉर्च्यून वैसा दिखाते हैं, वैसा उनको बनाते हैं कि देखो भैया तुम लंगड़े बन जाओगे तो समझ सकोगे कि लंगड़ा होना क्या होता है, अगर तुम अंधे बन जाओगे तो समझ सकोगे कि ब्लाइंड होना क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से उसको रोज़ रोज़ टास्क दिया जाता है ताकि वो समझ सकें कि हाँ क्या होता है मुसीबत। देखिए ईच टर्न एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, कह रहा है हर दिन कभी कभी एक बच्चे का ब्लाइंड डे होता है, लेम डे होता है, डेफ यानी कि गूंगा गूंगा दिवस होता है, वन इंजर्ड डे, इंजर्ड डे मतलब यानी कि चोटिल दिवस, वन डम, डम मतलब देखिए बच्चों डेफ, डेफ मतलब बहरा होता है, सॉरी रॉन्ग हो गया, डेफ मतलब बहरा होता है और डम मतलब गूंगा होता है, ठीक है। तो एक गूंगा दिवस और एक बहरा दिवस, एक लंगड़ा दिवस, इस तरह से रोज मनाए जाते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब अंधा दिवस होता है, देयर आईज आर बैंडेज, उनकी आंखों को बांध दिया जाता है, पूरी तरह से पट्टी लगा दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और इस बात को उनसे विश्वास दिलाया जाता है कि वो पीप नहीं करेंगे, पीप मतलब झांकना होता है, वो झांकेंगे नहीं, ठीक है, चीटिंग नहीं करेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट, उनकी रातों में पट्टी बांध दी जाती है, सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि वो अंधे बनकर उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प, ताकि उनको, इसका मतलब ये है ताकि उनको हर चीज़ में ज़रूरत पड़े सहारे की, ठीक है, सहारे की ज़रूरत पड़े उनको हर चीज़ में, अंधे रहेंगे सुबह उठेंगे तो हर चीज़ में उनको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी, दूसरे बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है कि आप भैया उनकी हेल्प करिए, ठीक है, उनको लीड करते हुए उनको रास्ता दिखाते हुए उनकी हेल्प करिए। दे आर लर्न सो मच दिस वे, इस तरह से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बॉथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो अंधे बने होते हैं वो भी और जो उनकी सहायता कर रहे होते हैं वो भी, दोनों ही दोनों बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए देयर इज नो माइजरी अबाउट, इसमें कोई भी दया भाव खाने वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई दया दिखाने वाली बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने कंटिन्यू किया, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर कोई बहुत दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये बस केवल एक गेम की बात है। बिफोर द डे इज़ ओवर, इससे पहले कि दिन पूरा हो जाएगा, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिस फॉर्च्यून इज, तो इस तरह से जो सबसे बेकार और निकम्मा बच्चा भी जो होता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी थॉट नहीं है, वो भी इस बात को समझ जाएगा कि मिस फॉर्च्यून क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अगर कोई भी अपाहिज है, क्रिपल है, तो उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बात हर बच्चे को इस तरह से समझ में आ जाती है, ठीक है। फिर देखिए द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो ब्लाइंड डे अंधा दिवस होता है वो सबसे बेकार होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं दैट द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, कि गूंगा दिवस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, हम बच्चों के माउथ को बांध नहीं सकते, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज, इसीलिए उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। देयर विल पावर, विल पावर मतलब आत्मशक्ति होता है, यानी अंदर से उनको इस चीज़ का एक्सरसाइज करना पड़ता है कि भैया हमें कुछ बोलना नहीं है, कम इन टू द गार्डन, मैदान में आ जाओ, एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो मिस बीम ने कहा चलो मैदान में चलते हैं और आपको दिखाते हैं बच्चे इसके बारे में क्या महसूस करते हैं।
मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। मिस बीम मुझे एक पट्टी बंधी लड़की के पास लेकर गए। हेयर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। ठीक है, उन्होंने मिस बीम ने उस लड़की से कहा, बच्चे आओ तुमसे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति मिलने आए हैं। जेंटलमैन मतलब सज्जन व्यक्ति मिलने आए हैं। ठीक है, तो देखिए, डोंट यू एवर पीप, मैंने उस लड़की से पूछा, राइटर बोलते हैं, मैंने उस अंधी लड़की से पूछा, क्या तुम कभी झांकती नहीं हो, चीटिंग नहीं करती हो। ओह नो सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा नहीं मैं कभी झांकती नहीं हूँ। डैट वुड बी चीटिंग, वो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो आवफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आवफुल मतलब होता है बुरा, कि ब्लाइंड अंधा होना इतना बेकार होता है। यू कॉन्ट सी अ थिंग, आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं सकती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, आपको ऐसा लगता है कि हर पल अभी आपको कोई चीज़ हिट कर देंगे, आप किसी चीज़ से टकरा जाएंगे। ठीक है, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, इसीलिए बैठने में आपको बहुत आराम मिलता है। ठीक है, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, तब मैंने उससे पूछा, जो तुम्हारी मदद करते हैं वो तुम्हारे प्रति दया भावना रखते हैं। ठीक है, तो लड़की ने क्या जवाब दिया, फेयरली हाँ रखते हैं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माय टर्न, लेकिन उसने बताया कि वो उतने ज़्यादा सावधान नहीं होते जितना कि मैं सावधान रहती हूँ जब मेरी टर्न आती है हेल्प करने की। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, वो बच्चे जो पहले से अंधे बन चुके हैं वो अब अंधे लोगों को समझते हैं कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसीलिए वो और ज़्यादा इस बात को अनुभव कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और वो बहुत अच्छे मदद करते हैं। ठीक है, वो सबसे अच्छी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इस बात का एहसास होता है कि हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं। ठीक है, इट इज़ परफेक्टली घैस्टली, घैस्टली मतलब होता है बुरा यानी कि खतरनाक, ठीक है, भयंकर। ठीक है, इट इज़ परफेक्टली घैस्टली नॉट टू सी, ठीक है, ना देख पाना बहुत ही बुरा होता है। आई विश यू विड ट्राई, ठीक है, मैं विश करता हूँ, लड़की ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार ट्राई करें। सैल आई लीड यू एनी वेयर, आई आस्क्ड, तब मैंने उस लड़की से पूछा, क्या मैं तुमको कहीं ले चलूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सो ओह यस सी सेड, तब उसने बोला हाँ बिल्कुल, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, तो मैंने बोला चलो चलते हैं कहीं घूमने के लिए। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम ही मुझे चीज़ों के बारे में बताना। ठीक है, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन ओवर हो जाएगा। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, जितने दिन जितना बुरा आज का दिन है उसका आधा भी बुरा जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे दिन, हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, उसने बोला एक पैर आपका बांध दिया जाए, ठीक है, और आपको क्रच यानी कि बैसाखी पे चलना पड़े तो भी मस्ती होती है मुझे लगता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, उसने कहा एक हाथ का बंधा होना हालांकि कुछ दिक्कत कर सकता है। ठीक है, ट्रबलसम मतलब थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है, बिकॉज यू कैन नॉट हेल्प ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आपको कुछ भी खाने के लिए मदद लेनी पड़ती है। एंड थिंग्स लाइक डेट, और चीज़ें इसी तरह से चलती हैं। आई डोंट थिंक आई विल बी माइंड बींग डेफ फॉर अ डे, उसने बोला मुझे बहरा बनने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, एट लीस्ट नॉट मच, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट बींग ब्लाइंड, लेकिन अंधा बनना इज सो फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मतलब डरावना। ठीक है, अंधा बनना जो है बहुत ज़्यादा डरावना होता है, भयंकर होता है। माई हेड एचेस ऑल द टाइम, मेरा सर हर वक्त दर्द करता है, जस्ट फ्रॉम वराइंग डेट आई विल गेट हर्ट, इस बात को सोच कर कि मुझे चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, हम अभी पर कहाँ हैं। ठीक है, मैंने उससे पूछा तो लड़की ने जवाब दिया, इन द प्ले ग्राउंड, हम खेल के मैदान में हैं। आई सेड, उसने पूछा तो मैंने जवाब दिया, इन लड़की ने पूछा तो जो है राइटर ने जवाब दिया कि हम प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम, ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं राइटर जो है उस लड़की को लेकर बढ़ रहा है आगे, और लड़की उससे सवाल जवाब कर रही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो अब देखिए, सो मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल, मिस बीम जो है एक लड़की, लंबी लड़की के साथ घूम रही हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क, तब राइटर बोलता है मेरी छोटी सी बच्ची ने पूछा, दोस्त ने पूछा कि वो लड़की, लंबी लड़की क्या पहन रखी है। तब मैंने बताया आप ब्लू कॉटन स्कर्ट, उसने एक स्कर्ट पहन रखी है और एक पिंक ब्लाउज पहन रखा है। आई थिंक इट इज़ मिली, तब उसने बताया मेरे ख्याल से वो मिली है। सी सेड, व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसने पूछा उसका कलर किस कलर, उसका जो बाल है वो किस कलर का है। वेरी लाइट, तब मैंने बताया बहुत ही हल्का है, तो उसने बोला यस दैट्स मिली, वो मिली है। सी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, तब राइटर ने बोला कि मैंने उससे बताया कि भैया वहाँ पर एक आदमी भी है जो गुलाब के फूल को तो जो है लगा रहा है। यस दैट इज़ पीटर, तो लड़की ने बताया वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो हमारे यहाँ का माली है। ही इज़ 100 ईयर ओल्ड, वो 100 साल का है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल,
गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके बाल घुंघराले हैं लाल लाल, ठीक है, सी इज ऑन क्रचेस, वो बैसाखी लिए हुए है, दैट इज़ अनीता, सी सेड, तब उसने बताया कि वो अनीता है, ठीक है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह से हम चले गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर डैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थाट आई कुड बी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आज मैं जितना पहले से विचारमय होता था उससे 10 गुना ज़्यादा विचारमय हो चुका हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज, मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, कि मुझे जब कोई लोगों को डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है, या कोई चीज़ समझानी होगी, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और आखिरकार जब मुझे वहाँ से जाना पड़ा, आई टोल्ड मिस बीम, तब मैंने मिस बीम से बोला दैट आई वॉज सॉरी टू गो, कि मुझे जाते हुए बहुत बुरा लग रहा है। आह, सी रिप्लाइड, तब उन्होंने जवाब दिया देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, उन्होंने बताया आखिरकार मेरे सिस्टम में ही ऐसा कुछ है, ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर के राइटर हैं ई वी लुकास, ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई इन्होंने। इस स्टोरी से हमको ये बताया कि हमको हमेशा दूसरों का दुख दर्द यानी मिसफॉर्चून समझना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और जितना हो सके हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और जिस दिन हम इस चीज़ को समझ जाएंगे, हमको मालूम चल जाएगा कि हम एक ह्यूमन बीइंग है यानी एक इंसान है, ठीक है बच्चों। बाकी का जो वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड।